बागपत में गौवंश का भ्रूण निकालने वाले आरोपियों पर कार्रवाई न करने पर अधिकारियों ने किया घेराव। जनपद के नगर खेखड़ा में विगत 17 मार्च को रात के समय गौवंश का भ्रूण निकालने वाले आरोपी के खिलाफ ये स्थानीय पुलिस के द्वारा 3 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न करने के कारण बता दें कि नागरिकों में रोष पनप गया है, जिसके चलते कोतवाली खेखड़ा तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी खेखड़ा युवराज सिंह और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दिवेश कुमार शर्मा का घेराव डाला गया। आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया था, परंतु बता दें कि कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उधर पुलिस के द्वारा इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया, सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। प्राइम डीके न्यूज चैनल के लिए वीरेंद्र तोमर, बागपत, उत्तर प्रदेश। नाम क्या है? आदेश कुमार। गाय आपकी थी वो? जी हाँ, मेरी गाय। क्या क्या घटना हुई थी, क्या थोड़ा प्रकाश डालेगा? घटना तो उसके साथ ये, जब हम खेत में पहुंचे, मेरे से छोटा भाई पहुंचा था मेरे से पहले, गाय के शरीर में हाथ डाल के अंदर से उसके मांस का लोथड़ा जो है तकरीबन 3-4 किलो का होगा वो, जो निकाल के उसने बाहर डाला हुआ था। अच्छा, गाय गवाइंदी आपकी? गाय गवाइंदी? गाय 8 महीने की प्रेग्नेंट थी जी। उसके बाद में क्या किया आपने, क्या हुआ? हमने जो है उससे पूछताछ करी, उनका गलती हो गई बस। फिर इधर थाने से पुलिस पहुंची है, कॉल किया हुआ था, तो फिर जो है पुलिस वालों के सपोर्ट कर दिया गया उसको। मैं उस अंश के जो उसके अंदर से निकालना होगा। अच्छा, पुलिस कार्रवाई से आप संतुष्ट है? पुलिस कार्रवाई से देखो अब तक तो कुछ हुआ नहीं है, बाकी जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तब पता लगेगा क्या क्या कार्रवाई होगी। अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्या कार्रवाई हो, हमें क्या पता। आश्वासन क्या दिया आपको? अभी आश्वासन हमें ये दिया गया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी, जितनी ज़्यादा हमारे से हो सकेगी उतनी जो है सख्त कार्रवाई करेगी। अतीश जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जब आप अंदर बैठे थे, मैंने पुलिस से एक सवाल किया था। हाँ। आपने कुछ समय पहले भी एक एप्लीकेशन पुलिस को दी थी, उस समय आपने बिना समर्थन आपने गोलमाल जवाब दिया है। वो नहीं, ऐसा कोई नहीं। मैंने एक सवाल उठाया था कि आपने पहले भी एक जो है कार्रवाई के लिए तहरीर दी थी, उस समय आपने कैमरे के सामने ये भी बोला था पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कार्रवाई? ये सवाल मैंने पुलिस से उठाया था। हाँ, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। हाँ, परंतु आपने चूंकि एक उसमें जवाब आपने क्या दिया, आप मुझे बताएंगे? मैंने ये कहा कि आपने एप्लीकेशन दी थी चौकी में लिख के, मगर वहाँ से कोई जो है उसकी देखने के लिए नहीं गया, जबकि मुझे बोला गया था चौकी में जो जो भी वहाँ पे थे कि हम जो है आएंगे। मैं शाम को 3 बजे तक